एवरी एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड यू आर स्टडिंग एंड यूर गिविंग फोकस ऑन योर स्टडी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे ठीक है सो आई एम स्टार्टिंग चैप्टर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी आर यू स्टडिंग और नॉट स्टर्डिंग घर पे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा मैं नहीं पढ़ रहा मैम तो रोज रोज पढ़ाई करने को दे देती है घर पे मैं मस्ती करूंगा मम्मी बोलती है काम कर लो नहीं मम्मी आप कर दो वक्त मेरा काम नहीं हुआ मम्मी आप मेरा काम कर दो दीदी आप मेरा काम कर दो ये क्या तरीका होता है मुझे शिकायतें मिली हैं सारी उसके बाद ही मैं रही हूँ अगर मम्मी आपका काम करेंगी भैया आपका काम करेगा तो एग्ज़ाम देने में भैया ही आएगा आपका है भैया को पास करूँगी आप लोगों को पास नहीं करूँगी भैया को पास करूँगी आप लोगों को फेल कर दूँगी मैं ठीक है ये होगा आपसे बेटा आप खुद को इम्प्रूव करो अगर राइटिंग अगर आप काम करेंगे तो राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी किसी और की नहीं होगी अगर आपका काम कोई करेगा तो वो आप वो अच्छा होगा आप ना होंगे खुद को इम्प्रूव करना है तो खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे बच्चे ये होते हैं कि वो अपना काम खुद से करते किसी और से अपना काम नहीं करवाते और मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसे करेंगे वेरी बैड सो लेट स्टार्ट ऑन आई एम सेंग फॉर ओनली फ्यू स्टूडेंट बाकी सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सब काम करते हैं सब मुझे दिखाते हैं एंड सब दिखाएंगे भी मुझे जो जो नहीं दिखा रहे हैं वो समझ जाएं कि कौन नहीं दिखा रहा है मुझे सबका सब पता है ठीक है दिख रहा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए कितना कुछ कर रहे हैं कितना ध्यान दे रहे हैं और किसी को लाइफ में कुछ करना है वो पढ़ाई करेगा अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करेंगे आप और इतना तो आप इतने बच्चे इतने अच्छे बच्चे हो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे बताओ ये कौन सी बात होती है बेटा इतने अच्छे बच्चे हैं आप पहले सब लोग अपना अपना वर्क करेंगे ठीक है ध्यान से पढ़ाई करेंगे नहीं मन कर रहा है देखो एक टाइम टेबल बना लो टाइम बना लो कि आप जब खेलेंगे तो खेल जब आप खेलते हैं तो खेल के टाइम आपकी पढ़ाई तो आती नहीं है बीच में आती है नहीं आती है तो वैसे ही जब आप पढ़ाई करेंगे तो जब खेल आके दिमाग में आएगा तो खेल से बोलना बेटा बाद में आना पहले मैं पढ़ाई कर लूँ जब आप जब खेल के टाइम में पढ़ाई नहीं आती है तो पढ़ाई के टाइम पे भी खेल नहीं आना चाहिए ठीक है थीके? जब खेल पढ़ाई करो तो खेल से बोल देना जब तो खेल दिमाग में आना तो उससे बोल देना बेटा बाद में आना मैम ने बोला है पहले पढ़ाई करनी ओके सो लेट्स आर द चैप्टर दिस इज योर थर्ड चैप्टर ये आपका थर्ड चैप्टर है टू चैप्टर वी हैव कम्पलीटेड ऑलरेडी सो चैप्टर आई एम स्टार्टिंग ये आप पोएम की राइटिंग करना है ठीक so, है सो चैप्टर नेम इज़ वर्ड टॉक चिड़ियों की बातें जस्ट इमेजिन की चिड़िया बातें करती हैं और क्या बातें करती होंगी थिंक "think," said the robin, "think," said the jay, sitting in the garden talking one day. "think about people, the way they grow. they don't have feathers, uh, at feathers at all, you know. they don't eat beetles, they don't grow wings, they don't talk, like uh, sitting uh, on wires and things. थिंक सेट डर रॉबिन थिंक सेट ड जे आर नॉट प्यूपर फनी टू बी दैट वे अब एक अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है तो वो जो वर्ड्स होती है वो बातें कर रही है कि वो कहती है रॉबिन बोलता है uh, कि थिंक रॉबिन uh, कह रहा है रॉबिन से रॉबिन ने बोला कि द रॉबिन सेट थिंक थिंक सेट द रॉबिन थिंक सेट ड जे जे ने दो वर्ड्स का नेम एक वर्ड का नेम है रॉबिन और एक एक वर्ड का नेम क्या है जे तो रॉबिन और जे बोलते हैं कि सोचो रॉबिन सोचो जे सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे अपने उस पर बैठ के सोच रहे थे दोनों लोग क्या सोच रहे थे कि थिंक अबाउट पीपल लोगों के बारे में सोचो मतलब वो जो वर्ड्स है वो हम इंसानों के बारे में सोच रही हैं कि द वे दे ग्रो वो जिस तरह से बड़े होते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान है जो ये इन, इंसान ह्यूमन लोग हैं वो द वे दे ग्रो जिस तरह से वो बड़े होते हैं दे डोंट हैव एट ऑल यू नो जैसे तुम्हें पता है कि इन इंसानों के तो पंख ही नहीं होते हैं अब इन वर्ड्स के लिए तो ये डिफात ही अजीब चीज़ है ना कि देखो इनके पास विंग्स नहीं है पता कैसे रहते हैं दे डोंट ईट बीटल्स वो बीटल्स भी नहीं खाते तो कीड़े में कड़े तो वो भी नहीं खाते कैसे ही इंसान है ये अब उन्हें क्या पता है इंसान तो जानवरों को भी खा लेते हैं हाँ दे डोंट ग्रो विंग्स दे डोंट ग्रो उनकी विंग्स भी नहीं होते हैं फीटा में जो हल्के पर जो लगे होते हैं फर ठीक है विंग्स होते हैं जो बड़े से वो उड़ते हैं दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स वो कह रहे हैं कि इंसान तो था नहीं चेयर पर बैठते हैं वो तो कभी किसी चीज़ पे बैठते नहीं है वो तारों पे ही बैठते हैं कैसे इंसान है इन इंसानों को दिक्कत तो और अजीब लगता है मुझे तो ये वो वर्ड ये सोच रही है थिंग्स एट द रॉबिन थिंग एट द जे फिर से बोला आर नॉट पीपल फनी टू बी वर्ड दे वो फनी टू बी देट वे तो वो ये कह रहा है कि जैसे इंसान है तुम्हें तो लगता नहीं कितने फ़नी हैं लोग मुझे तो खोद के बड़ी हंसी आती है कि कैसे इंसान है कुछ नहीं है कैसे रहते हैं तो वो उनके हम भी सोचते हैं इनके बारे में ठीक है तो ये चैप्टर था चैप्टर छोटा है आई नो बट आपको समझाना भी ज़रूरी है ठीक है सो so, इसमें आंसर्स हैं आई नो आपको मैं कराऊंगी फिर से लेकिन फिर भी आपको जितने लोगों को समझ में आया कर लेंगे अब इसमें ये बोल रहे हैं कि नेम द टू वर्ड्स इन द पोएम का दो वर्ड्स का क्या नाम था रॉबिन एंड शे वॉट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन नॉट डू पीपल क्या नहीं कर पाते पीपल कैन नॉट सी वायर पीपल डोंट ईट पीटल्स पीपल पीपल्स पीपल्स डोंट ग्रो हाँ दे डोंट हैव विंग्स हम पे हमारे पास विंग्स भी तो नहीं है वर्ड टू वर्ड्स थिंक ऑफ पीपल पीपल के बारे में क्या सोचती हैं हाँ क्या सोचती है बहुत कुछ सोचती है जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं ठीक है आपको समझ में आया तो करिए वरना नहीं ठीक है वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी ठीक है अब आते हैं ये एक्टिविटी है आपकी आप लोग को एक्टिविटी करनी है ये इसमें क्या करना है लेट्स मेक अ फिंगर पपेट एक बनाएंगे पपेट आप ड्रॉ योर फेवरेट वर्ड ऑन अ शीट एक छोटी सी कॉपी जो पेपर है उस पर आपको एक जो कार्ड नहीं होते हैं उस पर बनाना है बनाना है आपको वर्ड टेक अ स्ट्रिप ऑफ अ क्लोथ पेस्ट द पिक्चर ऑन द वर्ड यू हैव अब मतलब मैं आपको फिंगर पहननी है एक कपड़ा लेंगे उस पर आपको बनाने के बाद उस पर पे आप पेस्ट कर देंगे पेस्ट अ पिक्चर ऑन द वर्ड यू हैव ड्रॉन उस पर पे पेस्ट कर दीजिए ठीक है उसके बाद क्या करेंगे टाई uh, आपको ऐसे करना है मीन्स बनाने के बाद आपको उसको टाई करना है फिक्स, फिंगर में फिक्स करना है फिंगर को बनाना है इससे कि वो पपेट लगेगा आपका फिक्स इट ऑन योर फिंगर फिंगर में आप उसको फिक्स कर देंगे बनाने के बाद पेस्ट करेंगे पहले आप कपड़े पे फिर लपेट लेंगे जैसे पट्टी लपेटते हैं जो चोट हो जाती है वैसे लपेटना है बहुत ईजी एक्टिविटी इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू ओके अगर करने के मन करें तो कर लीजिएगा ठीक है जिस बॉल चैप्टर okay so i hope you will un you will watch it carefully and you will understand bye bye thank you